So welcome back students. So the topic which we are going to discuss today is the function of commutator in a DC motor. तो इस टॉपिक से को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि what is the difference between a motor and a generator. तो सबसे पहला तो सब कुछ सेम ही है, दोनों में ही एक स्टेटर है एंड दोनों में ही एक रोटर है, राइट? एंड इन केस ऑफ मोटर, सबसे पहले जनरेटर देखते हैं. तो जनरेटर में हम बाहर जो आपको कॉइल थी उसमें हम खुद करंट पास करते थे जिसकी वजह से यहाँ पे पोल्स बन जाते थे, ओके? और जो आपका रोटेटिंग पार्ट है उसको हम खुद रोटेट करवाते थे विद एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स. एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स की हेल्प से उसको रोटेट करवाया जाता था. और जब हम इसको रोटेट करवाते थे अपने रोटर को, तो रोटर के जो कंडक्टर्स हैं उनमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती थी, ठीक है? तो जनरेटर में हम सिर्फ स्टेटर को सप्लाई देते हैं ताकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए और उसकी फील्ड क्रिएट हो जाए, और रोटर को हम खुद घुमाते हैं और उसमें घुमाने की वजह से हमारी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो जनरेटर में डीसी इज गिवन टू स्टेटर, हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, और रोटर इज रोटेटेड using external force and voltage is generated in rotor. Rotor में voltage generate होती है. और motor की बात करें तो motor में क्या होता है, motor में अगेन हमें यहाँ तो स्टेटर के कंडक्टर में तो हम खुद करंट देते हैं जिसकी वजह से पोल्स आपके बन जाते हैं. तो डीसी इज गिवन टू स्टेटर, राइट? और यहाँ पे जो रोटर है उसको भी डीसी दिया जाता है. डीसी इज गिवन टू रोटर, रोटर को भी डीसी दिया जाता है. मतलब बाहर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है और अंदर जो आपके कंडक्टर होंगे उनको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी ताकि आपके पोल्स बन जाएं, करंट की डायरेक्शन आप मार्क कर सकते हैं नॉर्थ साउथ के लिए. तो स्टेटर में भी आपका डीसी दिया जाता है और रोटर में भी डीसी दिया जाता है. और क्योंकि अब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स बन चुकी हैं तो दोनों की इंट्रैक्शन होगी. अब आप देख सकते हैं इस केस में साउथ जो है वो साउथ को रिपेल करेगा और नॉर्थ भी नॉर्थ को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ को रोटेट कर जाएगा, ठीक है? ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. उस वजह से आपकी जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होता है. टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क बेसिकली आपकी फोर्स ही है. जो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लगती है उसको हम टॉर्क कहते हैं. तो इसमें एक तरह से फोर्स जनरेट हो जाती है और आपका मोटर रोटेट करने लग जाता है. So now since the basic difference between motor and generator is clear to all of you, motor और generator के बीच का जो difference है वो मैंने आपको बता दिया है, basic difference. किस तरह हम generator में खुद rotation देते हैं और motor में खुद हमें current देना पड़ता है, और यही basic difference है. अब हमें study करना है कि function of commutator, DC motor में commutator का क्या काम है, ठीक है? DC generator में तो हमने देख लिया था commutator का काम. DC generator में last lecture में हमने देखा कि किस तरह से commutator जो है, कम्यूटेटर आपका एसी को डीसी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो वेव फॉर्म आपको वैसे मिलनी है वो इस तरह से मिलती है, और डीसी अगर हम कम्यूटेटर के थ्रू करंट लेते हैं तो आपको वेव फॉर्म
ऐसे मिलती है डीसी जनरेटर में। अब हम देखते हैं डीसी मोटर में क्या काम है कम्यूटेटर का। तो इसके लिए मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी। सबसे पहले हम केस स्टडी करेंगे जब हमने स्लिप रिंग्स लगाए हैं, जैसा कि हमने डीसी जनरेटर में भी पहले स्लिप रिंग्स वाला केस यूज़ किया था, स्टडी किया था। तो यहाँ पे भी हम पहले स्लिप रिंग्स के साथ देखते हैं कि कैसी वर्किंग रहेगी। अब डीसी मोटर है तो हमें खुद डीसी देना पड़ता है, ठीक है। स्टेटर में भी हमने खुद पोल्स बना लिए, और जो रोटर है रोटर में हम खुद डीसी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम डीसी, यहाँ पे सेल लगाया है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट की डायरेक्शन बताते हैं, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, पॉजिटिव से वो इस ब्रश में जाएगा, ये B1 ब्रश है, ये B2, और इसके थ्रू ये वाला ब्रश जो है वो आप देख सकते हैं इस वाले कंडक्टर के साथ है, तो ये वाला करंट यहाँ से होता हुआ इधर चला जाएगा, फिर ऐसे ये वाला करंट पूरा पाथ फॉलो करके B2 ब्रश से आपका ये, तो DC बैटरी ने जो करंट दिया उसके डायरेक्शंस हमने मार्क कर लिए। और ये तो आपको बनाना आते ही है किस तरह से हम एक लेग एक स्लिप रिंग के साथ देते हैं और दूसरी लेग दूसरी स्लिप रिंग के साथ, और यहाँ पे बैटरी है। और ये जो अभी मैंने पोजीशन बनाई है ये कौन सी पोजीशन बनाई है देखिए, तो अभी मान लो सपोज़ पहले अगर ये पोजीशन थी, कभी बी इधर था और ए इधर, तो ये सेंटर पोजीशन थी। तो सेंटर पोजीशन में हम ये तो जानते हैं कि EMF ज़ीरो प्रोड्यूस होता है, फोर्स भी इस में ज़ीरो प्रोड्यूस होती है। तो अभी जो मैंने केस लिया है वो लिया है कि जब मान लो मोटर थोड़ा कहीं पे भी ये वाला पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है, तो ए इधर है और बी इधर, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी। तो ताकि मैं आपको क्लियरली बताऊँगी, अब अगर इस पोजीशन में होता सेंटर पोजीशन में, तो सेंटर पोजीशन में तो फोर्स ज़ीरो ही लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मान लो अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, और अगर बिल्कुल सेंटर पोजीशन में ये पड़ी है कोयल, तो यहाँ पे सपोज़ अगर हमने नॉर्थ बन गया करंट की वजह से और इधर अगर साउथ बन गया, तो उस पोजीशन में तो ये अलाइंड हो जाएंगे आपका, क्योंकि देखिए बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थ, अगर इधर मान लो नॉर्थ है तो नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, ये साउथ इसकी तरफ, तो दोनों से आपकी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रही है, जितनी फोर्स इधर को लगेगी उतनी ही इधर को लगेगी। तो ये तो आपका आपने हम जैसे पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, क्योंकि दोनों फील्ड्स अलाइन हैं। पर जब अब मैं थोड़ा सा आपको इसलिए डायग्राम में मैंने केस बनाया है हल्का सा, जब थोड़ा सा इस पोजीशन में है तो वही मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। इस तरह से आप देख सकते हैं दो स्लैंटिंग लाइंस बनाई हैं जैसा आपको दिख रहा है, और इधर से इस ये, और दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी, और यहाँ पे हम खुद करंट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस वाले पोजीशन में ए में आपको करंट की डायरेक्शन पता है, अब यहाँ पे हमें फोर्स की डायरेक्शन लगानी है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। या तो हम वो वैसे कर सकते थे लेंजेज लॉ से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स में बनाया था, या तो हम फ्लेमिंग्स रूल से भी कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम देखते हैं कि कैसे रहेगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो बी की डायरेक्शन हम पता है नॉर्थ टू साउथ है, तो दिस इज़ योर एफ, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर आई। तो यहाँ पे मोटर के केस में लेफ्ट हैंड रूल लगता है, और लेफ्ट इसमें हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है और मैग्नेटिक फील्ड की पता होती है, फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो इस वाले पे देखते हैं हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे लग रही है। तो बी की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन दिस इज़ योर करंट, एंड करंट की डायरेक्शन ये है इस टाइम। तो फोर्स आप देख सकते हैं इस तरफ नीचे की तरफ को लग रहा है, तो इस वाले कंडक्टर पे फोर्स आपकी निचली तरफ को लग रही है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस पर। अब बी वाले कंडक्टर पे लगा निकालते हैं, तो बी वाले कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड दिस करंट की डायरेक्शन आपकी यही है इस टाइम, देखिए निचले की तरफ को एरो है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर को लग रही है, थंब से पॉइंट हो रहा है, तो दिस बी वाले कंडक्टर पे फोर्स ऊपर को लग रही है। तो अब ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, देखिए ए पे नीचे को लग रही है बी पे, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन हो जाएगी। तो अभी मान लो ये कंडक्टर आप स्टार्टिंग में जो था ये कॉइल कुछ इस तरह से पड़ी थी, ए इस साइड था बी इस साइड था, तो आप कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं इस तरह से पड़ा है। अब ए पे हमने देख लिया निचली तरफ को फोर्स लग रही है, बी पे ऊपर को, तो ये रोटेट कर जाएगा इस तरह से।
और हम ये तो आपको पता है कि सेंटर पोजीशन में प्रोड्यूस नहीं होती, वो तो स्टार्टिंग का केस है, बट एक बार जब वो रोटेट करने लग पड़ा तो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो आपका फोर्स तो रहती है, तो एक बार जब वो घूमने लग जाता है तो इस सेंटर पोजीशन को क्रॉस कर लेता है, तो इस तरह से अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वो यहाँ से आगे को निकल गया। अब हम नेक्स्ट केस बनाएंगे जब ये कॉइल ऐसे पड़ी है, ठीक है। पहले हमने बनाई थी जब कोई भी आप पोजीशन ले सकते हो, आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो सीधी, उसमें आप बस ये कर लेना करंट्स की डायरेक्शन निकाल के, इसको जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करेगी उसमें रोटेट करवा के सेंटर पोजीशन जो भी आएगी उसके नेक्स्ट पोजीशन आप बना देना। तो अब कॉइल मान लो ऐसे पड़ी है, तो ये इस तरह से ड्रॉ करती है ने? अब मतलब ए पहले इधर था, ए रोटेट होके सेंटर क्रॉस करके नेक्स्ट दूसरी तरफ आ चुका है, मतलब पहले ए कंडक्टर नॉर्थ वाली साइड था और अब ए रोटेट करके आपका साउथ वाली साइड आ चुका है। तो अब ये देखते हैं हम इस केस में क्या होगा। तो ए आप देख सकते हैं मैंने कौन सा बनाया है, और बी इज दिस, तो दिस केस है आपका। अब पॉजिटिव नेगेटिव, तो बैटरी से करंट पॉजिटिव से निकलता हुआ बताना है आपने, वो आपकी इस ब्रश वन के थ्रू यहाँ से जाएगा, बस ब्रश वन ए के साथ कनेक्टेड है, वो ब्रशेस कि ये वाला ब्रश जो है वो ए के साथ ही कनेक्टेड रह रहा है, ये वाली स्लिप रिंग ए वाली है, तो ए वाली स्लिप रिंग से होते हुए इधर जाएगा और यहाँ से पूरा रोटेशन करके इस वाले स्लिप रिंग से इसमें अंदर एंटर करेगा। तो ये आपने डायग्राम बना लेना है, ये याद रख लेना कि स्लिप रिंग में जो एक ए वाला स्लिप रिंग ए के साथ ही कनेक्टेड है और बी वाला स्लिप रिंग बी के साथ हमेशा, और जो ब्रश है वो हमेशा बी वन ब्रश ए वाले स्लिप रिंग के साथ ही कनेक्टेड है और बी टू ब्रश बी वाले स्लिप रिंग के साथ ही कनेक्टेड है, कम्यूटेटर में चेंज होता है हाफ साइकिल के बाद। तो इसमें जो ये वाला कंडक्टर का स्लिप रिंग था वो हमेशा बी वन के साथ ही रहेगा, तो ब्रशेज की पोजिशन तो चेंज नहीं होंगे। अब हमने करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली, अब दोबारा से हम फोर्सेस की डायरेक्शन देखते हैं, तो ए पे देखते हैं सबसे पहले, ए पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये नॉर्थ टू साउथ है, करंट की डायरेक्शन ये है, और इसमें आप देख सकते हैं फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो ए में फोर्स आपकी डाउनवर्ड लग रही है, और बी वाले में देखते हैं, बी वाले में करंट की डायरेक्शन आपकी निचली तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस एफ बी आई, तो फोर्स इसमें ऊपर की तरफ को लग रही है, तो बी वाले कंडक्टर में फोर्स ऊपर को लग रही है। तो अब ये रोटेट होके ए इस तरफ आया हुआ है, हम देख सकते हैं ए पे फोर्स नीचे की तरफ को लग रही है और बी में ऊपर की तरफ को लग रही है, तो ये इस तरफ को घूम जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है अब इसमें, राइट। तो आप देख सकते हैं जब वो एक हाफ साइकिल में है, मतलब एक हाफ में उस पर फोर्स यहाँ पे आपकी एंटी क्लॉकवाइज लग रही थी इस कॉइल में, और जब वो दूसरे हाफ साइकिल में उस पर फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने लग पड़ी। तो पहले जब आपकी कॉइल ऐसे थी, ठीक है, ए इस साइड था, तो उस पर फोर्स हमने देखी कि इस तरह को रोटेट किया था उसने, और जब ए घूम के दूसरी साइड आ गया, दूसरे हाफ में आया, तो उसमें फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने लग पड़ी। तो पहले वो घूम रहा था ऐसे, अब वो ऐसे इस पे फोर्स लग रही है, तो मतलब अगर हम ये वाली तरह से करंट देते हैं तो मोटर पे जो फोर्स है या टॉर्क जनरेट हो रहा है वो कभी क्लॉकवाइज लग रहा है हाफ साइकिल में, फिर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो उस कारण तो मोटर आपकी रोटेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जब भी हम डीसी मोटर देते बना रहे हैं तो हम स्लिप रिंग्स के थ्रू करंट नहीं देख सकते हैं, हमें किसके थ्रू देना पड़ता है, कम्यूटेटर के थ्रू। तो अभी जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसका नोट्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप
इसको नोट करेंगे और लर्न करेंगे अगर एग्ज़ाम में आता है, बट आप ये प्रैक्टिस आपको होगी तभी आप उसको बना पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम कम्यूटेटर अगर लगाते तो कैसा होना था। सो यहाँ पे मैंने कम्यूटेटर अब बनाए हैं, तो इधर दो कॉइल्स रखी हैं मैंने, पहले पोजीशन ये है और दूसरी जो वो रोटेट करके दूसरी साइड चली गई तो वो है। तो आप पहले में दोनों में स्ट्रेट बना सकते हैं, जैसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर्स इस पोजीशन में बनाए हैं, तो आप स्लिप रिंग वाले में भी वैसे कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए एक हाफ ये वाला है, ए वाला एक कम्यूटेटर का जो रिंग है सेगमेंट है वो इधर, ये वाला कम्यूटेटर बार है और बी वाला ये वाला कम्यूटेटर बार है। अब जब ये रोटेट होगा तो ये बी वन में पहले देखिए ए टच था, अब बी वन में बी टच था। स्लिप रिंग में एक ही कंडक्टर का करंट हमेशा रहता है और कम्यूटेटर में ब्रश की पोजीशन, ब्रश के साथ जो कॉन्टैक्ट करता है जो कंडक्टर वो चेंज हो जाता है क्योंकि हाफ रिंग्स होते हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट केस में देखते हैं, पहले तो करंट की डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव जैसे टर्मिनल से करंट निकला, बी वन के थ्रू ए में गया और इस तरह से बी से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में गया। अब इस पोजीशन में आप फोर्स निकालेंगे तो ए में हमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है बी की, एफ बी आई, एंड करंट की डायरेक्शन ये है। तो इस वक्त इसमें फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। और बी वाले पे देखते हैं तो दिस इज़ फोर्स बी वाले में ऊपर की तरफ को लग रही है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, ए में फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और बी में अपवर्ड। तो इस वक्त जो रोटेशन होगी वो कैसी होगी, आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। अब मान लो वो घूम के, अब हम कोई भी केस एज्यूम करते हैं इस साइड वाला, तो जब आपकी कॉइल घूम के इस साइड पहुंची तो अब ये वाला जो देखिए जब सेंटर पोजीशन में थी कॉइल तो हम जानते थे अब कम्यूटेटर की जो रिंग्स थे उसकी पोजीशन कैसी हो जाती थी, सेंटर में ऊपर और नीचे इस तरह से आ जाते थे ये, तो ब्रशेस जो थे वो सेंटर पोजीशन में दोनों को टच करते थे, राइट। तो और सेंटर में तो वैसे भी आपकी ज़ीरो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और ज़ीरो फोर्स लगती है क्योंकि दोनों में ही टच कर रहा है, तो उस वक्त तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, शॉर्ट हो जाएगा बेसिकली। अब जब वो थोड़ा सा घूम के दूसरी साइड आ गया तो अब जो बी वन ब्रश है वो बी के साथ कांटेक्ट में है, तो अब करंट की डायरेक्शन मार्क कर देते हैं, यहाँ से पॉजिटिव से निकलता हुआ बी वन के थ्रू एंड दिस इज़ योर पोजीशन। तो इस वक्त अब हम करंट फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, तो अब इस वाले कंडक्टर पे हम फोर्स निकालते हैं तो देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, तो इस पर फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और इस पे फोर्स अपवर्ड लग रही है। हम दोबारा से निकालेंगे तो अगेन इस वाले पूरे स्ट्रक्चर पे किस तरह डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ठीक है। इस तरफ को घूम जाएगा ए पे ऊपर को और नीचे दूसरे को, तो आप देख सकते हैं पहले भी एंटी क्लॉकवाइज ही लग रही थी, अब भी एंटी क्लॉकवाइज ही लग रही है। तो जब हमने हाफ रिंग्स यूज़ किए तो हाफ साइकिल के बाद ब्रशेस के साथ जो है वो कंडक्टर भी दूसरा वाला अटैच हो जाता है, राइट। पहले बी वन के साथ ए था, बी वन के साथ बी है और हमने फोर्सेस की डायरेक्शन लगाई, वो दोनों केसेस में सेम डायरेक्शन में रहती है, तो हमें यही चाहिए, मोटर आपका सेम डायरेक्शन में घूमना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि कम्यूटेटर का काम जनरेटर में क्या है, जनरेटर में इसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमने देखा पहले आपको जो वेव फॉर्म है वो इस तरह से मिल रही थी स्लिप रिंग्स के थ्रू जो हमने लिया, अब हम जब हमने कम्यूटेटर रिंग्स के थ्रू लिया तो आपको एक यूनिडायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में आपको करंट मिला। और मोटर में इसका काम है
सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करना, मतलब यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करना, ठीक है। अदरवाइज जो टॉर्क था, अगर हमने स्लिप रिंग्स यूज़ किए थे तो टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही थी, स्लिप रिंग्स में टॉर्क की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल नहीं थी, टॉर्क डायरेक्शन चेंज हो रही थी। पर जब हमने कम्यूटेटर यूज़ किया तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसकी हम थ्योरी, मैं आपको लेक्चर, इसके जो नोट्स हैं वो अलग से देती हूँ, पर आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स इट अबाउट हाउ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए कम्यूटेटर इन अ डीसी मोटर।